सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जो 10वीं का ऑफिशियली मॉडल पेपर को जारी किया गया है उनमें संस्कृत के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को तो मालूम चल ही गया होगा कि पिछले बार की तरह इस बार भी मैट्रिक के संस्कृत के एग्जाम पेपर में 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को ओएमआर शीट में रंगना होगा। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देखने जा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि विधा दिग्माया में किन वर्णों की संधि हुई है। यदि आप इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो विद्या जोड़ अधिगमाया हो जाएगा। तो विद्या यानी अंतिम वर्ण आ गया है और अधिगमाया इसका पहला वर्ण आ गया है, तो इसमें आ प्लस अ वर्णों की संधि हुई है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा और यह एक स्वर संधि है। उसके बाद में क्वेश्चन दो कहता है कि किसमें वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। आप सभी को मालूम होगा कि जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन तीन को देखिए कि संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होता है। तो संस्कृत लेखिका का जो सही विग्रह होगा वह होगा संस्कृतस्य लेखिका यानी संस्कृत का लेखक यानी लेखिका। अगला सवाल क्वेश्चन चार कहता है वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन चार का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वैदिकम च तत्युगम का मतलब होता है वैदिक युगम यानी वैदिक युग। अगला सवाल कहता है संस्कृत में कारक होते हैं, यानी कहने का मतलब संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं। दोस्तों हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं लेकिन संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल देखिए कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आप सप्तमी विभक्ति में जाइएगा तो अधिकरण में पय पर होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए कि दुर्योधन में उपसर्ग है। आप सभी को मालूम होगा उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो दुर्योधन को हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो दुर्योधन यानी दुर इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद में कहता है बालई पद का मूल रूप क्या होता है। क्वेश्चन 8 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बाल शब्द से ही बनता है बालई, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 9 हमारा कहता है दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा हो जाता है। क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दात्री शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप दाता होता है। उसके बाद में सवाल कहता है चर किस लकार का रूप है। दोस्तों याद रखिएगा चर जो है ना ये लोट लकार का रूप है। उसके बाद में क्वेश्चन 11 को देखिए कि द्रक्ष्यति किस मूल धातु का रूप है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दृश्य यानी देखना एक शुद्ध वर्ड होता है जिसका धातु का रूप है द्रक्ष्यति। अगला सवाल देखिए कंपन मानम में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें स्थानच्य प्रत्यय है, चूँकि स्थानच्य प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जाकर नम जुड़ जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 13 कहता है भू प्लस कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा। क्वेश्चन 13 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि कत्वा प्रत्यय का किसी भी शब्द के अंत में आकार जुड़ता है, यानी भू प्लस कत्वा के मेल से कौन सा अव्यय बनेगा तो भूतवा बन जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 14 को देख लीजिए। हे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। देखिए धार्मिकम इसमें आधा म में हलन जुड़ा हुआ है जो ठक प्रत्यय का जुड़ता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ठक प्रत्यय। अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए कि अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो क्वेश्चन 15 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अज का स्त्रीलिंग रूप अजा होता है। अज या अजा का मतलब बकरी होता है। उसके बाद में यहाँ से अब आपका बुक का क्वेश्चन चालू होता है। क्वेश्चन 16 कहता है कि यथा नद्धा स्यन्दमाना समुद्रे, यानी जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर मंत्र कुश उपनिषद से संकलित है। यदि आप संस्कृत पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पाठ में कहा जाता है कि यदा नद्ध अस्यन्दमाना समुद्रे, यानी जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर नाम रूप को त्याग कर देती है। तो यह जो उपनिषद से लिया गया ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है और पहला जो मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, लेकिन यह जो लाइन है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल देखिए कि अनृतम पद का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अनृतम के मतलब होता है झूठ की नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, असत्यम हो जाएगा, यानी इसका पर्यायवाची शब्द असत्य हो जाएगा।
उसके बाद में एक और सवाल मंगलम पाठ से यहाँ पे लिया गया क्वेश्चन 18। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। विदा हमेतम डॉटअप महानतम इस पदांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद बनेगा? तो आपका दसवीं कक्षा के मंगलम पाठ कहता है कि विदा हमेतम पुरुषम महानतम यानी वेद महान पुरुष के समान है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि सरस्वती कुलगृहम किसे कहा गया है? इधर सरस्वती का कुलगृह जो है वो किस नगर को कहा गया है? तो क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में सरस्वती कुलगृहम पाटलिपुत्र अर्थात पटना को कहा गया है। अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्य के काल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल देख लीजिए, पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? यदि आप अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो पटन शब्द से बना पाटलिपुत्र का जो अन्य नाम है वो है पटना। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। एक और सवाल पाटलिपुत्र वैभव पाठ से लिया गया है कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था? तो क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रियदर्शी अशोक के शासनकाल में और अत्यंत समृद्ध था और सबसे ज़्यादा यहाँ पे था तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है अलश कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? तो दोस्तों अलश कथा पाठ यदि आप पढ़ेंगे विद्यापति के द्वारा तो याद रखिएगा कि अलश कथा पाठ में आलस्य यानी आलसियों के दोषों का वर्णन किया गया है। उसके बाद में कहता है कि सराजित सजातीनाम डॉडर दृष्टवा के ना धवंती जंतव, इस पदांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो क्वेश्चन 24 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सजातीय लोग अपने ही जातियों के सुखों को देखकर वे दौड़ आते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब सुखम होगा और यह लाइन आपके अलस कथा पाठ से लिया गया है। अगला सवाल कहता है जलती हुई अलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे? तो यहाँ भी क्वेश्चन 25 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, परस्परलाप कर रहे थे यानी वे आपस में बातें कर रहे थे और झगड़ रहे थे तो जलती हुई अलसशाला को देखकर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी भी हो सकता है यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगला सवाल 26 को देखिए कि तृष्णिम कथम न तिष्ठ किसका कथन है? तो क्वेश्चन 26 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथे आलसी का यह कथन था कि तृष्णि कथम ना तिष्ठ, कि अरे भाई तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, यह कथन चौथे आलसियों का कहना था। अगला सवाल कहता है दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? तो दोस्तों क्वेश्चन 27 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मैत्रेयी जो याग्ञवल्क्य की पत्नी है, जिन्होंने याग्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मतत्व की शिक्षा प्रदान करते थे, इनकी रुचि दर्शन शास्त्र में सबसे ज़्यादा थी। अगला सवाल कहता है अर्थवेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? तो क्वेश्चन 28 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, उसने 5 स्त्रियों का वर्णन किया गया है अर्थवेद में। और इसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से गंगा देवी की रचना काल कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 29 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी गंगा देवी के द्वारा मधुर विजयम एक प्रकाशन प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल कहता है कंपन राय की रानी का नाम क्या था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना जी। तो क्वेश्चन यहाँ पे 30 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चूंकि गंगा देवी एक पुत्री थी किनका, तो कंपन राय की। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। यहाँ से व्याकरण खंड फिर से चालू होता है कि सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय हो जाएगा? तो क्वेश्चन 31 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एक चाप नामक प्रत्यय होता है। तो देखिए सूर्य कहीं ना कहीं एक मूल होगा, तो चाप प्रत्यय का एक ये विशेषता थी इसका च और प लोप हो जाता है, केवल आकार मिलता है। तो सूर्या शब्द का मूल रूप क्या हो जाएगा? तो सूर्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब इसमें चाप प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन 32 को देखिए, तो दोस्तों क्वेश्चन 32 आपका क्या कहता है कि किम प्लस तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो ये कृतः बनेगा, क्योंकि तहसील प्रत्यय किसी भी शब्द के जाकर और यहाँ पे तह जुड़ जाता है, तह और विसर्ग जुड़ जाता है। अगला सवाल देखिए कि करणीयम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि नियम यम आपका कोई भी शब्द के अंत में जुड़ जाएगा तो समझ लीजिए कि तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। अगला सवाल कहता है धाव धातु के विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप क्या होता है? तो क्वेश्चन 34 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी धावेत। अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देख लीजिए, दोस्तों क्वेश्चन 35 क्या कहता है कि भूपति शब्द का रूप किस में समान चलता है? तो भूपति का शब्द का जो रूप है ना, ये पति के शब्द रूप में इसका समान चलता है। अगला सवाल 36 कहता है किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? तो देखिए अध्ययन को हम लोग कैसे करते हैं, अधि जोड़ अयन, अध्यक्षता के अधि जोड़ अक्षता, अधिगमन अधि जोड़ गमन, अधर्म देखिए अजोड़ धर्म, यहाँ पे अधि नहीं लग रहा है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अधर्म में उपसर्ग अधि नहीं है।
अगला सवाल करता है धिक अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 37 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा चतुर्थी। अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देखिए कविषु कालिदास श्रेष्ठ यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है वाक में कविषु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन 38 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा यतश्च निर्धारणम एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से कविषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल 39 को देखिए कि किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास आप सभी को बताना होगा। देखिए लंबोदर में अव्ययी भाव समास नहीं होता है। क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि किसमें विग्रह होता है। याद रखिएगा दोनों वर्णों के मेल से जो विकल्पन होता है उसे संधि कहते हैं। संयोजाक्षर और संयुक्त होगा नहीं, समास में ही दो वर्णों के दो शब्द दो पद जो होते हैं उसका विग्रह होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 41 कहता है पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है। तो ये पूर्व रूप हो जाएगा। अगला सवाल गति प्लस इति से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पे गति प्लस इति से गतिति बन जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। अगला सवाल क्वेश्चन 43 को देखिए निम्नलिखित में से चेती का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें चेती का सही संधि विच्छेद च प्लस इति होता है। उसके बाद में 44 में कहता है किस संधि में विसर्ग के विकार परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन 44 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा विसर्ग। उसके बाद में कहता है कि समास में उभय पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों जिस समास शब्द का उभय पद प्रधान होता है उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, यानी दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद में कहता है कर्ण कारक विधायक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन 46 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा धात कतम कर्णम। उसके बाद में कहता है भात महिम पाठ कहाँ से उद्धृत है, अर्थात भात महिम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो ये पुराण से लिया गया है। उसके बाद में कहता है कि अपगा का अर्थ क्या होता है। हे दोस्तों अपगा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो इसका आसान सा शब्द अपगा को कहते हैं नदी। उसके बाद में कहता है कि धर्म जाति प्रभेदई यह दौड़ वहंता वसंती रिक्त स्थान में उचित पद भरे, यानी यहाँ पे उचित पद कौन सा भरा जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे एकत्व भावम हो जाएगा। ये आपके पाठ्यपुस्तक का एक लाइन लिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन 50 कहता है केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों याद रखिएगा केशांत जो संस्कार है ये शैक्षिक संस्कार यानी शिक्षा के संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल कहता है शिष्य वेदारम्भ कहाँ करते हैं, यानी जो छात्र छात्रगण हैं वो वेदारम्भ यानी वेदों की शुरुआत सबसे पहले कौन से संस्कार के अंदर करते हैं। तो ये गुरु गृहम यानी गुरुओं के घर में। उसके बाद में किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है। तो क्वेश्चन 52 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना जी, किसान संस्कार के अंतर्गत आते हैं गोदान संस्कार। अगला सवाल क्वेश्चन 53 को देखिए किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन 53 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जन्म के पहले जात कर्म संस्कार किया जाता है। अगला सवाल कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है। आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है नराधम कहा गया है जो अविश्वस्ती विश्वस्ते मूढ़ चेटा नराधम, यानी जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं प्रवेश करता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस पर भी विश्वास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को विद्वानों के द्वारा नराधम अर्थात मूर्ख कहा गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कहता है किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा हमें सभी स्त्रियों की रक्षा सबसे मूल रूप है, हमें स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। अगला सवाल शैक्षिका का कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है। तो क्वेश्चन 56 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा डाप। अगला सवाल कहता है दीर्घ तरम में कौन सा शब्द बना। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 57 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दीर्घत्व तो बन जाएगा, क्योंकि तरम प्रत्यय में किसी भी शब्द के अंत में आधा त तो अव जुड़ता है। अगला सवाल क्वेश्चन 58 क्या कहता है बालानाम गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा उपयुक्त पद भरा जाएगा। तो क्वेश्चन 58 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना ऑप्शन ए हो जाएगा केसाम। उसके बाद में कहता है वृथा अव्यय का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन 59 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वृथा का मतलब ही होता है बेकार, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 60 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 60 हमारा कहता है किस पद में तल प्रत्यय है। तो यहाँ पे जनता में तल प्रत्यय लगा हुआ है।
अगला सवाल उसमें 61 कहता है हसन में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों यहाँ पे हसन में प्रत्यय की बात करेंगे तो 17 प्रत्यय हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 62 को देखिए कि क्रेशति में कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 62 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्री एक ऐसा धातु है जो क्रेशति में प्रयोग इसका किया जाता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 63 को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 63 क्या कहता है कि पति शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 63 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पतिया। अगला सवाल 64 को देखिए किस पद में अ उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन 64 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अवरोध एक ऐसा शब्द है जिसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। अगला सवाल क्वेश्चन 65 पृथक अलगाव का बोध होने वाला किस कारक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, आपादान कारक। अगला सवाल कहता है नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो दोस्तों नमः के योग में जो विभक्ति होती है ना, उस विभक्ति को हम लोग चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। अगला सवाल 67 को देखिए अहम त्वम पसामि पश्यामि वाक्य में त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र के माध्यम से लगाई गई है। 67 का सही जवाब से नहीं हो जाएगा, तथा युक्तम पनिश्चितम। अगला सवाल कहता है महादेव में कौन सा समास है। तो दोस्तों महादेव में जो समास होता है ना, वो कर्मधारय समास होता है, क्योंकि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। अगला सवाल धर्म च अर्थ च काम च का समास निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन 69 का सही जवाब सी हो जाएगा, धर्मो कर्थमा कामो। अगला सवाल खेलंतरम में कौन सा समास है। खेलंतरम में समासों की बताना है आप सभी को, तो इसमें तत्वपुरुष समास हो जाएगा। अगला सवाल किस पद में स्वर संधि नहीं है। ये सभी पदों को देखने के बाद आपको मालूम चलेगा निश्चितम में आपका स्वर संधि नहीं है। किन वर्णों के मेल से य बनता है। तो दोस्तों य बनाने के लिए दो वर्णों की हमें जरूरत होती है, और वह वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो वह होते हैं अ प्लस ई, चूँकि अ और ई मिलकर ए बन जाता है। अगला सवाल दीर्घ संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। याद रखिएगा दीर्घ संधि का उदाहरण विद्यालय है। उसके बाद में भीखंड टोला देखने के लिए कौन आते हैं। तो दोस्तों भीखंड टोला देखने के लिए एक शिक्षक आता है। क्वेश्चन 74 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 75 को देखिए कहता है लक्ष्मी जिसे हम लोग संपत्ति कहते हैं किससे प्राप्त होती है। दोस्तों उद्यमी पुरुष नहीं बल्कि उद्योगी पुरुष जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं उन्हीं को संपत्ति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगला सवाल कहता है यथार्थ भाव का अर्थ क्या होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें यथार्थ भाव का जो अर्थ होता है वो होता है घना भाव। क्वेश्चन 76 का सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला सवाल कहता है स्वामी दयानंद का परिवार किसके उपासक था। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का जो परिवार था वो शिव का उपासक था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ पे हुए थे। क्वेश्चन 78 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मथुरा यानी यूपी में। अगला सवाल देखिए कि मूल शंकर के वैराग्य भाव का उदय कब प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवरात्रि की बात है जब भगवान शंकर पर एक चूहा चढ़कर और मिठाई को खाने लगता है। तो इनको लगता है कि शायद जो शंकर भगवान की जो प्रतिमा रखी गई है वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे, तो दूसरों की रक्षा वाला कैसे करेंगे। इसी बात को लेकर उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो जाती है। अगला सवाल रामायण की अयोध्या कांड में संकलित पाठ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में मंदाकिनी वर्णम है, जिसके रचनाकार स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि दान किसको देना चाहिए। दोस्तों दान जो है वो गरीब लोगों को देनी चाहिए। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में कहता है तो मह मुक्त पयामी किसका कथन है। तो यहाँ भी क्वेश्चन 82 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, या बाघ का कथन है कि हम अपने हाथों से तुम्हें देना चाहते हैं। अगला सवाल है व्याघ्रपथी कथा पाठ कैतेन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन 83 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये अर्जुन के लिए किया गया है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है महात्रम भिक्षा याच किसका कथन है, यानी हम तुमसे महान से महान भिक्षा लेने की याचना करने वाले हैं। तो ये सग्र का कथन है, दूसरे शब्दों में कहे तो ये इंद्र भगवान का कथन है। अगला सवाल सर्प की जीवा के समान चंचल कौन सा होता है। तो दोस्तों सर्प यानी सांप के जीवा के समान चंचल क्या होता है, तो राजलक्ष्मी होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये आपका कर्णस्य दान वीरता पाठ से दिया गया है। अगला सवाल कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है।
तो याद रखिएगा कर्णस्य दान वीरता पाठ जो है यह कर्णभार नाटकम पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है। दोस्तों यदि कोई भी मनुष्य का शरीर यदि नष्ट हो भी जाता है तो उसका वाणी अर्थात उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। अगला सवाल असहिष्णुता को कौन जन्म देता है। तो क्वेश्चन 88 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वेष जन्म देता है। अगला सवाल 89 कहता है देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है। तो दोस्तों देशों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उसे शांत करने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ का है, जिसे अमेरिका कहा जाता है। अगला सवाल योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। याद रखिएगा योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 91 कहता है हमारा कि आचार्य चरक की रचना कौन सी है। तो दोस्तों क्वेश्चन 91 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, चरक संहिता के रचनाकार आचार्य चरक हैं। और इसके बाद में किस शब्द में डीप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मातुली। अगला सवाल कहता है गौरवम कौन सी तथित प्रत्यय है। दोस्तों क्वेश्चन 93 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्य प्रत्यय लगा हुआ है गौरवम में। अगला सवाल अंशु प्लस मतुप से कौन सा पद बनता है। क्वेश्चन 94 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अंशुमान। उसके बाद में है अक्तिन प्रत्यय में किस पद में है। अक्तिन प्रत्यय जो है वह गति ही, गति ही में देखिए कोई भी अगर शब्द हो जिसमें ति ही दीर्घास नहीं बल्कि हर्षिकास से जुड़ता हो, उसमें विसर्ग लगा हो तो समझ लीजिए कि अक्तिन प्रत्यय लगा हुआ है। अगला सवाल अतपत किस धातु का रूप है। क्वेश्चन 96 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आप धातु का रूप है। उसके बाद में निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग क्या होता है। क्वेश्चन 97 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता है, निस। उसके बाद में है कि परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। क्वेश्चन 98 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वितीया। अगला सवाल 99 को देख लीजिए, नय समास का पहला पद क्या होता है। तो दोस्तों नय समास का पहला पद जिसे मैं नकारात्मक अर्थ देता हूँ उसे नय समास कहते हैं। जैसे अनपढ़ नहीं पढ़ने वाला, अमर नहीं मरने वाला, ये सभी के सभी नय समास होते हैं। अगला सवाल छंद शास्त्र की रचयिता कौन है। क्वेश्चन 100 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, आचार्य पिंगल जो है वो छंद शास्त्र की रचनाकार है। आज की इस वीडियो में हमने देखा 10वीं कक्षा के ऑफिशियली मॉडल पेपर का 1 से लेकर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट था। आगे आने वाली पार्ट में हम आप सभी को गद्यांश का कैसे सलूशन किया जाता है वो चीज़ बताने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो गद्यांश के बाद में आपका अनुच्छेद पूछा जाता है, तो अनुच्छेद मात्र हम 6 को गेस किए हैं और 6 क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा। साथ ही हम आप सभी को ये बताएंगे कि कैसे संस्कृत में जो अनुवाद दिए जाते हैं उसका कैसे आसानी तरीके से निराकरण करना है। उसके साथ ही आप सभी को जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका सलूशन किस प्रकार से करना है, काफ़ी ही आसान तरीके से सभी का सलूशन यदि आप देखना चाहते हैं तो मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर कीजिए। दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और आप ऑनलाइन क्विज तथा ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो वेबसाइट questionforexam.com पर जाकर आप इस सभी सेट का ऑफिशियली मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकेंगे तथा आप सभी सेट का स्टडी मटेरियल भी आसानी तरीके से पा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।